वालेकुम अस्सलाम मैडम, वंस अगेन एज पर फन का जो एक्सपो था, जैसा ऐलान किया गया था आपने एज पर फन कार्निवल का, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ लेडीज ही लेडीज नजर आ रहे हैं। आपका हमेशा से एक मानना था कि वुमेन एम्पावरमेंट को सामने लाया जाए, और इसी तहत का देख रहा हूँ यहाँ पे हर स्टॉल भरा हुआ है, और अभी एथिकेयर का एक बाकायदा बच्चों का एक खूबसूरत एक मंजर मैंने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? ये जो एस्पायर फन कार्निवल है, ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए है। भाई आपको तो पता ही होगा कि ऑलमोस्ट एक साल से लगातार हम हर एक महीना कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हर एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि घर पे बैठ के। सब लड़कियां तो घर पे ही बैठते हैं, और घर पे बैठ के कैसे बिजनेस कर सकते हैं, वो उस चीज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, एक साल से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर रमजान में भी हमने कंटिन्यूसली वन मंथ रखा था। हमने पर स्टॉल 300 से स्टार्ट किया, ताकि हम लोग जेब से खर्च कर रहे हैं, और हमारा मकसद एस्पायर का सिर्फ ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट जितना ज्यादा बढ़ सकता है वो बढ़े। हाँ, 300 रुपीज हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि फ्री से जब सर्विस दिया जाता है या कुछ जगह दिया जाता है, उसका मायना नहीं रहता, उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग कुछ पैसा लेंगे तो हमको भी, ये तो हमारा नहीं है जो हम दस्तगीर फंक्शन हॉल कर रहे हैं, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं है, हम भी ये लेते हैं और यहाँ पे रेंट पे करते हैं। तो इस रेंट पे हम लोग क्या करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जो हम इनको प्रमोट करते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स को जो हम प्रमोट किए हैं, हम पर्सनली इनके घर जाते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, ताकि ये लोग आए और इनका बिजनेस बढ़ाए। ठीक है, तो जब हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा अमाउंट इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि जब हम लोग इनको एक जगह दे रहे हैं, ना ये मिसयूज ना करे और उसका सही से इस्तेमाल करे। जब पैसा लोग देते हैं तभी वैल्यू है, फ्री का सर्विस कहीं पे भी वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए भी चार्ज। बात आई है वुमेन एम्पावरमेंट की, हाँ, ऐसी कितनी खातिन को आपने आगे लाया है? मैं ज्यादा बढ़ाव नहीं करती हूँ, मेरा बढ़ाव करने का आदत नहीं है, और जो भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कल तो अल्लाह, जो भी किए हैं अल्लाह के तरीके से किए हैं, मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ, और मैं की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो आप मुतमईन हैं ना? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड, और लोगों को पता है, आप देख सकते हो कैसे हम लोग बिजनेस डेवलप किए हैं। ये नहीं है कि साल में एक बार आए कर दिए और भाग जाए, हम लोग ऐसे कर रहे हैं ताकि हर एक महीना हम लॉन्च कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव तो रहते हैं, जाते हैं। और क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होटल्स में भी किए हैं, जैसे मैसूर संते ग्राउंड में भी किए हैं। ग्राउंड में करने से क्या होता है, सब लोग टिकट्स रखते हैं, जितना भी आज तक एक्सपो हुआ है ना, फ्री एंट्री कोई नहीं रखा है जैसा एस्पायर ने रखा है। उससे क्या होता है ना, मानो आपने 100 रुपया रखा है एंट्री फी, अगर 4000 लोग आते हैं उसी में 4 लाख हो जाता है, और लोग बोलते हैं कि हमने सोशल सर्विस किया, वो उसको सोशल सर्विस नहीं बोलते हैं। हमने एक साल से, आप हमारा वेरीफाई भी कर सकते हो, एक साल से हम लोग फ्री एंट्री कंप्लीटली रखे हैं, ताकि सब लड़कियां आए या आंटी लोग आए, देखे कि हमने क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैडम, आज 3 फरवरी है, जैसे हाँ, ऐलान किए हैं एस्पायर की जाने से, यहाँ पे दस्तगीर फंक्शन हॉल में हाँ, कामयाब एक मेला है लगा हुआ है। मैंने कल एक न्यूज कवर की थी, अच्छा, सल्तनत एक्सपो, हाँ हाँ, दावा है कि आज तक मैसूर में ऐसा एक्सपो नहीं हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको और तवक्कल और उनको कामयाबी दे, वो बैंगलोर से आए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े। आई थिंक जो सल्तनत कर रहे हैं वो शाहुल भाई है, शाहुल भाई हमारे बहुत करीबी है, उनको हम अच्छे से जानते भी हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो शायद बैंगलोर से कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगी कि उनका भी बिजनेस आगे बढ़े और हमारा भी बिजनेस आगे बढ़े। मैडम, वहाँ पे और एक बात इंसिस्ट करके कही गई कि वहाँ पे हाँ, ब्रांड की जानिब से एक इनामत दे रहे हैं, मतलब गिफ्ट। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट कब लाएंगे? इंशाल्लाह हम जरूर लाएंगे नेक्स्ट टाइम, जब हम फ्री टिकट की जगह पैसा लेंगे लोगों से। अभी तो पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हम जेब से जितना खर्च कर सकते हैं, जेब से खर्च करने, जब जेब से खर्च होता है ना, तो जो भी होता है छोटा ही होता है, बड़ा नहीं कर सकते हैं। जब लोगों से पैसा लेते हैं तब कुछ बड़ा कर सकते हैं। अभी एथिक फेयर में मैंने देखा कि बहुत से खूबसूरत बच्चे अपने अंदर पार्ट लिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तैयारी कब किए थे आपने? आई थिंक हम लोग महीना महीना कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, आप शायद, आपको पता ही होगा तैयारी, जो भी ये एस्पायर का जो एक्सपो हम कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे मैनेजर को जाता है, पूरा क्रेडिट इनको जाता है, बिकॉज शी इज सुमैया, she is almost working with me from 3 years,
जो भी ये कर रही है ये खुद से इनिशिएटिव करके ये आगे बढ़ाती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैडम अभी शाबान है। हाँ हाँ, आपको तो मैंने बोला ही था कि लास्ट ईयर भी एक महीना कंटिन्यूसली था, तब हमारे जो एमएलए तन्वीर सेठ साहब हैं उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया था, क्योंकि जो बैंगलोर में था फ्रेजर टाउन में कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हमने मैसूर में लाया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो हमने लाया था तो हमको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बट तन्वीर सेठ साहब ने तो बहुत हमको साथ दिया है। अभी आ रहा है रमदान, उसमें भी साथ देंगे और हम जरूर कर रहे हैं। अच्छा मैडम, काफी सवाल ये है। हाँ, कि सल्तनत एक्सपो वालों ने ये बताया कि मैसूर से 70% लोग ले रहे हैं। शायद होगा, बट जितना मेरे को पता है कि तो जैसे डिजिटल हो गया है, पैसा भी ऑनलाइन जा रहा है और कपड़ा भी ऑनलाइन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैसूर बहुत छोटा है। हमारा मैसूर भी शहर मैसूर बहुत बड़ा है, हमको किसी की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, सब लोगों में शेयर बजा है तो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं सुमैया हूँ, मैं एस्पायर फन कार्निवल की मैनेजर, जो भी इवेंट्स चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8th इवेंट है ये, और ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स का जो इवेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें लास्ट जनवरी को शुरू करके थे, अब कम्प्लीटली जनवरी होके 5th को हमारा 1 ईयर का एनिवर्सरी होके है, और हर बार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक हिट शो होता है। जैसे कि ये हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, आज क्या था ना कि हम फ्री हेना वर्कशॉप रखे थे लेडीज के लिए, इसमें ऑलमोस्ट 30 लेडीज फ्री वर्कशॉप अटेंड किए थे। इसमें हमने हिन्ना कौन कैसा बनाना है, घर से बिजनेस कैसा स्टार्ट करना है, बस 1000 रुपीज से घर में आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकते हैं बोल के हम बहुत सारे लेडीज को आज मोटिवेट करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही सामने एक 5 से 6 लेडीज हैं, उन्होंने बोला कि दीदी मैं घर से ही अभी मैं हिन्ना कौन बना के बिजनेस करना चाहती हूँ बोल के मुझसे, और जो हिन्ना वर्कशॉप करके थे वो आके उनके पास डिटेल्स भी लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एस्पायर है कभी सबको मोटिवेट करता है, इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्री फी, बच्चों के लिए हमने रैंप वॉक रखा था ताकि वो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाए। हर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट से चला माशाल्लाह, जो हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं करके थे। और जो भी है हम स्पॉन्सर्स, ऐसा कुछ हेल्प कीजिए, स्पॉन्सर के लिए गिफ्ट कीजिए, ये स्टॉल कीजिए, ये स्टॉल से गिफ्ट कीजिए, हम किसी से कुछ हेल्प नहीं मांगते। हमारा मोटो है बच्चे इंटरटेनमेंट हो और लोगों में इंटरटेनमेंट हो, उनके हर एक ब्रांड सामने है। और लास्ट ईयर जब हम जनवरी में किए थे, हमारे पास स्टॉल पार्टिसिपेंट के रजिस्ट्रेशन थी जस्ट 30 मेंबर्स रजिस्टर होते थे, आज एक साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एस्पायर में 250 लेडीज स्टॉल पार्टिसिपेंट्स के लिए रजिस्टर होके हैं, जस्ट मैसूर से नहीं, बैंगलोर से, बन्नूर से, हुंसूर से, ऐसे बहुत सारे लेडीज आज भी स्टॉल के लिए हमारे लिए रजिस्टर होके हैं। और आज का इवेंट ऑलमोस्ट 50 स्टॉल्स बैंगलोर से आके हैं, सब बोलते हैं हम यहाँ से बुलाके हैं, वहां से बुलाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी एस्पायर के ग्रुप से बस मैसूर को ही नहीं, बाहर से भी वेंडर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर अमन सैयदा मरियमनिसा हूँ, यहाँ पे मैं एस्पायर के एक मेंबर भी हूँ और हम मेरे मम्मी का एक स्टॉल भी है। तो जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हैदराबाद के ऑथेंटिसिटी जो हलीम है वहाँ की ऑथेंटिसिटी हम मैसूर में लेके आए थे, तो यहाँ पे हलीम के वैसे तो ऐसे बहुत रेसिपीज है, लेकिन मेरे मम्मी को भी इनका बिजनेस प्रमोट करना था, तो घर में बैठ के तो ऐसे हम लोग एकदम से दुकान में जाके हलीम का सेल तो नहीं कर सकते, तो वी आर रियली थैंकफुल टू द एस्पायर फन कार्निवल टीम, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है घर में बैठे सारे लेडीज को जो अपना जो भी इनका हुनर है प्रमोट करने का, फिर दुनिया में लेके आने का, यू नो, मार्केट में लेके आने का एक ऐसा चांस है एस्पायर फन कार्निवल की तरफ से। तो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मिलके 1 साल से ज्यादा हो गया और हमारा बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पहले ऑफलाइन ऑर्डर्स आते थे लाइक जब भी कार्निवल रहता था, आज हमारे ऑनलाइन स्विगी से ऐसे भी ऑर्डर्स जा रहे हैं, तो फाइनेंशियली तो हमारी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। साथ में हमारे मम्मी के जो रेसिपी है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो प्रमोट करना चाहते थे, वो भी ज्यादा है बढ़ गई है, तो हर जगह उनका नाम है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द टीम, टू द ओनर मुहाफिजा मैम एंड आयशा मैम, एंड ऑफ कोर्स टू द मैनेजर सुमैया, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द एस्पायर टीम। और हम और भी ज्यादा लेडीज को जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लाइक आइए पार्टिसिपेट कीजिए, इट्स अ यू नो मोटिवेशन फॉर ऑल द लेडीज, अपकमिंग लेडीज जो अपना बिजनेस फूड में हो, चाहे कपड़ों में हो, या फिर कोई भी उनका हुनर है, यहाँ पे क्राफ्ट्स का बिजनेस है, पेंडेंट्स का बिजनेस है, ऐसा नहीं कि ओनली फूड का ही वो प्रमोट कर सकते हैं, लेडीज में अलग अलग हुनर है, तो आपका जो भी हुनर है आप आ सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर व्हाटएवर यू वांट टू प्रमोट हियर। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल नाइट।